हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट। बेसिकली कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ऑर्डर कुछ हाई हो तब डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स। तो सपोज कि हमारे पास ये 2x2 का लीनियर सिस्टम है, a11x1 प्लस a12x2 इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 इक्वल टू b2, ये है हमारे पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। अगर जनरली सॉल्व करें पहले तो जनरली सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। अगर इसमें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम 21 का, a21 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हमने। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने a21 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी a21 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी a21 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन जाएगी, a21 a11 प्लस a12 a21 x2 इक्वल टू b1 a21। अब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a11 का, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a11 का, तो ये हो जाएगा a11 a21 x1 प्लस, यहाँ पे भी ऐसे a11 का मल्टीप्लाई किया तो a11 और a22 x2 इक्वल टू b2 a, और ये हो गए हमारे पास यहाँ पे a11। बेसिकली लिखा नहीं जा रहा, a11 रहा है वो, ये हो गया। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, ये माइनस हो गया तो ये चीज तो हमारे पास कट जाएगी, ये कट गया, और यहाँ से अगर हम देखें तो x2 कॉमन आ जाएगा, तो x2 कॉमन और ये दोनों हो जाएगा a12 और a21 माइनस और a11 a22, ये बच गया। इक्वल टू आ गया हमारे पास v1 a21 माइनस b2 a11 अपॉन, ये आ गया। तो यहां से हमारे पास x2 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया हमारे पास v1 a21 माइनस b2 a11 अपॉन, और ये आ गया हमारे पास a12 a21 माइनस a11 a22। या इसको लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, ऊपर नीचे माइनस माइनस कॉमन ले लें, तो ये टर्म जो आएगी, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, x2 बराबर बेसिकली ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह से हम जब x1 अगर निकालना है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा a22 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम a12 का, और फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एक जो कंडीशन, अगर x1 और x2 निकालने के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये टर्म जो नीचे जो टर्म आ रही है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि a11 a22 माइनस a12 a21 ये नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो अब यहां से हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली डिटरमिनेंट होता है हमारे पास, सपोज कि ए हमारे पास ये है, तो a11 ये ये इसका मैट्रिक्स है, इस लीनियर फॉर्म का ये मैट्रिक्स है। तो इसके अगर डिटरमिनेंट निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a11 a22 माइनस मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा हमारे पास a12 a22। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या पता चला, हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी उनके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो एन अल्टरनेटिव नोटेशन ऑफ डेट ए यूजिंग वर्टिकल बार्स, दो अल्टरनेटिव नोटेशन किस तरह से दे सकते हैं, डेट ए का हम इस तरह से भी दे सकते हैं, कई बार डेट को याद ना लिख के इस तरह से दे देते हैं a11 a12 a21
A22, यानी कि इस तरह से बार लगा देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका डिटरमिनेंट ही होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जिनका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं इजीली। अगर इसका निकालना चाहें हम ए इसका डिटरमिनेंट ए का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 16 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -8। तो ये हो गए हमारे पास, सॉरी 16 है, 3 × 2 6, 3 × 2 6 -8, तो ये हो गया 6, और ये प्लस आ गया, +8 = 14। इसी तरह से बाकी के पार्ट का भी डिटरमिनेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिलेशंस भी देखेंगे हम कि a11 b1 की वैल्यू के लिए क्या क्या किस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स में किस तरह से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। 2x2 में तो हमने इजीली निकाल लिया था, बट 3x3 में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 3x3 में वैसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है x1 बराबर जो होता है न्यूमरेटर 1 अपॉन डी, न्यूमरेटर 2 अपॉन डी, एंड न्यूमरेटर और 3 बराबर बट अपॉन डी, वेयर डी जो होता है बेसिकली ये टर्म होती है। जैसे हमने बेसिकली अगर सपोज कि हम a11 x1 a12 x2 a13 x3 = b1 a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 = b2, ए यहाँ पे आ जाएगा 31 x1 + a32 x2 + a33 x3 = b3। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से बेसिकली हमें ये चीज में से ये भी जीरो चाहिए, ये भी जीरो चाहिए। तो दो रो ऑपरेशंस की हेल्प से, दो रो ऑपरेशंस की हेल्प से जब हम इसको जीरो बना लेंगे, इसको जीरो बना लेंगे, और तो उसके बाद फिर से हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, इसको जीरो बना लेंगे, और रो ऑपरेशन से इसको भी जीरो बना सकते हैं, इसको भी जीरो बना सकते हैं, इसको भी जीरो बना सकते हैं। बेसिकली इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। कुछ एंट्री अगर सपोज उसको हम a11 x1 दे रहे हैं टू और समथिंग, और यहाँ पे a22 x2 = यहाँ पे अलग से b आएगा, b कुछ अलग से, और यहाँ पे a33 x3। तो बेसिकली यहाँ से जो आता है a1 बराबर आता है वो हमारे पास आता है b/√a, यानी कि यहाँ से ये। तो ये किस तरह से निकालते हैं, ये हमारे पास सिंपली रिलेशंस है जो जिनकी हेल्प से निकालते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ आपको, जिसकी एंट्री है a11 a12 a13, और ये a21 a22 a23, a31 a32 a33, ये मैट्रिक्स। अगर इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है तो सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं हम। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें, ये 1 1 यानी कि e1 है, तो यहाँ पे कोई साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा इसके बाहर। तो ये a11 आ गया, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a22 a33 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास a23 and a32, ये आ गया। अब यहाँ पे हम a12 करस्पॉन्डिंग करें, तो अगर a12 है देखे 1 और 2 3, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन आ गया, तो ये आ जाएगा -a12। अब आ गया, अब हमें ओपन करना है, यानी इस रो को कॉलम को छोड़ देना है और इस रो को छोड़ देना है। तो बाकी क्या बचे हमारे पास, बाकी बचे हमारे पास a21 a31, एंड ये बचा हमारे पास a23 a33, ये बचा हमारे पास। तो अभी आ गए यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा a21 a, और ये आ जाएगा 33 माइनस, और ये आ जाएगा a31 a23। इसी तरह से ए यहाँ के इसकी करस्पॉन्डिंग करेंगे तो हमारे पास ये टर्म जो आएगी इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जो फाइनल हमारे पास जो फॉर्म आएगी डिटरमिनेंट्स की, वो ये फॉर्म आएगी फ्रेंड्स, ये फॉर्म जो आएगी फाइनल डिटरमिनेंट्स की फॉर्म आएगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।